हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड मूवी एक्सप्लेनर। और आज आप देखने वाले हैं एक एनिमेशन एडवेंचर मूवी डेस्पिकेबल मी। और गाइज, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा अभी ये न्यू चैनल है, इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो मिस्र में आए होते हैं पिरामिड्स को देखने के लिए। ये लोग दूर से पिरामिड देख रहे होते हैं और कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। तभी उनका बेटा जस्टिन वहाँ की सिक्योरिटी से छुपकर पिरामिड के पास पहुँचने की कोशिश करता है और वहाँ की सिक्योरिटी जस्टिन के पीछे भागती है उसे रोकने के लिए। और भागते भागते जस्टिन उस पिरामिड के ऊपर गिरता है, जिससे कि सभी लोगों को पता चलता है कि वो पिरामिड कोई पिरामिड नहीं है बल्कि पिरामिड की तरह दिखने वाला एक बलून है। और ये सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, जिससे कि सारे मिस्र में खलबली मच जाती है। और न्यूज़ में दिखाते हैं कि मिस्र का ग्रेट पिरामिड हीरा अब चोरी हो चुका है और चोरों ने उसकी जगह उसकी तरह दिखने वाला एक बलून रख दिया है। और पुलिस को अब तक कोई सुराग भी नहीं मिल पाया था कि दुनिया के किन चोरों ने ये घिनौना काम किया है। उसके बाद हम मूवी में देखते हैं गुरु को, जो कि एक साइंटिस्ट होता है जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उल्टे सीधे काम करता रहता है। और गुरु के पास बहुत सारे मिनियंस भी होते हैं जो गुरु के हर काम में मदद किया करते थे और गुरु के सारे ऑर्डर्स भी माना करते थे। और गाइज, आप इन बकचोद मिनियंस को तो जानते ही होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो आपको इस मूवी के आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा कि गुरु के पास ये सारे मिनियंस कहाँ से आए। और गुरु के पास एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम नेफ्रियो था, और नेफ्रियो गुरु को बताता है कि मिस्र का ग्रेट पिरामिड डायमंड चोरी हो गया है और जिसने भी ये चुराया है उसके सामने सारे चोर बच्चे हैं। ये सुनकर गुरु को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो भी एक चोर था। और तभी वो अपने पंटर मिनियंस के पास जाता है और उनको इकट्ठा करके उनसे बोलता है कि मिनियंस, इस बार हम चुराने वाले हैं द मून, यानी कि चांद, क्योंकि मिस्र के पिरामिड के हीरे की चोरी अब तक की सबसे बड़ी चोरी मानी गई है। लेकिन अगर हमने चुराया चांद को तो वो मिस्र के पिरामिड के हीरे से बड़ी चोरी होगी। और ये सब सुनकर सारे मिनियंस खुश हो जाते हैं। तभी गुरु उनको बताता है कि मैंने एक खुफिया लैब में श्रिंकरे गैजेट को ढूंढ निकाला है, और अगर हम उस लैब से उस गैजेट को चुरा लेते हैं तो हम अपने चांद की चोरी का सपना पूरा कर सकते हैं। और गैज, मैं आपको बता दूं कि इस श्रिंकरे मशीन से जो रेज निकलती हैं उससे किसी भी चीज़ का साइज बहुत छोटा किया जा सकता है। तभी डॉक्टर नेफ्रियो गुरु को बताते हैं कि हमारे पास चांद की चोरी के लिए पैसे नहीं हैं, जिससे कि हम इस चोरी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर गुरु नेफ्रियो से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बैंक से लोन ले लूँगा, पर हम इस चोरी को करके रहेंगे। फिर गुरु बैंक से लोन लेने के लिए बैंक पहुँचता है, जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो गुरु से पहचान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु उसे घास नहीं डालता है। और गैज, मैं आपको बता दूं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही चोर है जिसने मिस्र के ग्रेट पिरामिड का डायमंड चुराया था। लेकिन गुरु ये बात नहीं जानता था। फिर वो बैंक मैनेजर के पास पहुंचता है और उसे अपना प्लान बताता है और उसे बोलता है कि मुझे स्पेस से बनाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, जिससे कि मैं श्रिंकरे गैजेट को चांद पर ले जाकर चांद का साइज छोटा कर उसको चुरा सकूँ। ये सुनकर बैंक मैनेजर गुरु से बोलता है कि पहले मुझे श्रिंकरे गैजेट दिखाओ, वो तुम्हारे पास है भी या नहीं। तभी गुरु बैंक मैनेजर से बोलता है कि वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों में उसे हासिल कर लूँगा। ये सुनकर बैंक मैनेजर गुरु से नाराज़ होते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास श्रिंकरे गैजेट नहीं है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर से बैंक में लोन लेने के लिए आ गए हो, और क्या तुमको पता है कि इस बैंक ने तुम्हारे ऊपर कितना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन आज तक तुमसे बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, और तुम उस बाहर बैठे जवान लड़के को देख रहे हो जिसका नाम वेक्टर है, और क्या तुमको पता है कि उसी ने ही वो ग्रेट पिरामिड का हीरा चुराया है। फिर बैंक मैनेजर गुरु से बोलता है कि पहले तुम श्रिंकरे गैजेट को ले आओ, उसके बाद ही हम लोन के बारे में बात करेंगे। ये सब सुनकर गुरु बैंक से वापस आ जाता है और वो प्लानिंग करता है श्रिंकरे गन को चुराने की। उसके बाद वो अपने साथ एक मिनियन को लेकर पहुंचता है उसी खुफिया लैब में जहाँ पर वो श्रिंकरे गन रखी थी, और गुरु मिनियन की मदद से वो श्रिंकरे गन चुरा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जेट आता है जिसमें कि वेक्टर होता है, और वेक्टर गुरु से वो श्रिंकरे गन हथिया लेता है। ये सब देखकर गुरु को बहुत बुरा लगता है और वो वेक्टर के घर पहुंच जाता है उस श्रिंकरे गन को वापस पाने के लिए। लेकिन वेक्टर का घर एक हाई सिक्योरिटी घर होता है जिससे कि गुरु उसके घर के अंदर नहीं घुस पाता है। तभी वेक्टर के घर पर तीन छोटी लड़कियां आती हैं जो कुकीज बेचती थीं, जिनका नाम मार्गो, एडिथ और एग्नीस था, और वेक्टर को कुकीज बहुत पसंद थी, जिससे कि वो उन तीनों लड़कियों को अपने घर के अंदर आने देता है और उनसे कुकीज खरीद लेता है। ये सब देखकर गुरु के माइंड में एक आइडिया आता है और वो अपने घर पहुंचता है और डॉक्टर नेफ्रियो से बोलता है कि मुझे कुकीज बेचने वाले रोबोट बना के दो। और दूसरी तरफ गुरु को पता चलता है कि वो तीनों कुकीज बेचने वाली लड़कियां अनाथ हैं और एक ऑर्फनेज में रहती हैं, जिस ऑर्फनेज को मिस हैटी नाम की एक लेडी चलाती है। और फिर गुरु उन तीनों लड़कियों को अडॉप्ट करने के लिए उस ऑर्फनेज में पहुँच जाता है, जहाँ मिस हैटी उन तीनों लड़कियों को गुरु को दे देती है।
और जब गुरु इन तीनों लड़कियों को अपने घर लेके आता है तो ये लड़कियां उसके घर को देखकर कुछ ज्यादा अच्छा रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि गुरु का घर घर कम और एक्सपेरिमेंट लैब ज्यादा लगता था। और अगली सुबह गुरु इन तीनों लड़कियों से बोलता है कि तुम सब तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम कुकीज बेचने जाने वाले हैं और हम कुकीज बेचना स्टार्ट करेंगे वेक्टर के घर से। तभी मार्गो गुरु को बताती है कि आज हम कुकीज बेचने नहीं जा सकते क्योंकि आज हमें जाना है डांस प्रैक्टिस के लिए। ये सुनकर गुरु उन तीनों लड़कियों को डांस क्लास छोड़कर आता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां बैक्टर के घर पहुंचती हैं वो कुकीज लेकर, जिससे कि बैक्टर उनसे वो सारी कुकीज खरीद लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो कुकीज कुकीज नहीं बल्कि कुकीज की तरह दिखने वाले छोटे रोबोट्स हैं जिनको गुरु ने वेक्टर के घर भेजा है उस श्रृंखले गन का पता लगाने के लिए। और गुरु उन रोबोट्स को वेक्टर के घर के बाहर से ऑपरेट कर रहा था और वो कुकिंग रोबोट श्रृंखले गन का पता लगा लेते हैं, जिससे कि गुरु अपने एक मिनियन के साथ मिलकर वेक्टर के घर पहुंचकर वो श्रृंखले गन चुरा लेता है। और घर जाकर वो उस बैंक मैनेजर को कॉल करके बताता है कि मैंने श्रृंखले गन को हासिल कर लिया है। फिर गुरु उस श्रृंखले गन से एक मिनियन को छोटा कर उस बैंक मैनेजर को दिखाता है, जिससे कि वो बैंक मैनेजर उसे लोन देने के लिए राजी हो जाता है। और दूसरी तरफ वेक्टर के पास एक कॉल आता है अपने डैड का, जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद वेक्टर अपने डैड से मिलने जाता है, तब हमें पता चलता है कि उसका डैड कोई और नहीं बल्कि वही बैंक मैनेजर है जिसका नाम मिस्टर पार्किंग होता है। फिर मिस्टर पार्किंग वेक्टर से पूछता है कि तुमने जो गुरु से श्रृंखले गन चुराई थी वो कहाँ है। तो वेक्टर अपने डैड को बताता है कि वो गन तो मेरी लैब में है। फिर उसके डैड उससे बोलते हैं कि वो गन तुम्हारी लैब में नहीं है क्योंकि गुरु ने वहां से उसको चुरा लिया है। ये सुनकर वेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड से बोलता है कि डैड आप टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लूंगा और उस चांद की चोरी हम ही करेंगे। ये सब कहकर वेक्टर वहां से चला जाता है। दरअसल गाज मिस्टर पार्किंग भी चांद को चुराना चाहता है, इसलिए उसने वेक्टर से गुरु की लैब से उस श्रृंखले गन को चुरवाया था। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर नेफ्रियो को, जो एक स्पेस शिप बनाता है जिससे कि गुरु चांद पर जा सके। और गुरु ने उस स्पेस शिप को बनाने में अपनी कमाई की एक एक पाई लगा दी थी क्योंकि उसे बैंक से लोन नहीं मिला था। और अब किसी भी हालत में गुरु को वो चोरी करनी थी क्योंकि अगर वो चांद नहीं चुरा पाया तो वो रोड पर आ जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुरु और उन तीनों लड़कियों की बॉन्डिंग भी अच्छी होती जा रही थी, जिससे कि डॉक्टर नेफ्रियो को लगता है कि गुरु का ध्यान मिशन से ज्यादा उन तीनों लड़कियों पर है। और ये सब देखकर डॉक्टर नेफ्रियो कॉल करके मिस हैटी को बुला लेता है और उन तीनों लड़कियों को मिस हैटी के साथ वापस ऑर्फनेज भेज देता है। फिर वो गुरु को बोलता है कि ये लड़कियां तुम्हारे मिशन के कीमती समय को बर्बाद कर रही थी। और उन तीनों लड़कियों के जाने से गुरु बहुत उदास हो जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं गुरु को, जो कि एक एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में होता है क्योंकि वो अपने मिशन पर जा रहा होता है। और गुरु का स्पेसशिप जैसे ही टेक ऑफ करता है तभी वहां पर बैक्टर आ जाता है, जो उस स्पेसशिप में हुक फंसाकर खुद भी उसके साथ उड़ने लगता है। ये देखकर गुरु उसे वहां से नीचे फेंक देता है, लेकिन बैक्टर अपने फ्लाइंग सूट के कारण बच जाता है। और गुरु चांद पर पहुंचकर चांद को छूटा कर पृथ्वी पर ले आता है और चांद को अपनी जगह से हटाने के कारण पृथ्वी का बैलेंस हिल जाता है, जिससे कि समुद्र में बहुत तेज लहरें और तूफान आने लगते हैं। और चांद को लाते समय गुरु को याद आता है कि आज उन तीनों लड़कियों का डांस कंपटीशन था, लेकिन जब तक गुरु डांस कंपटीशन में पहुंचता है तब तक वो डांस कंपटीशन खत्म हो चुका था। और तभी गुरु की नज़र वहां पर एक चेयर पर पड़ती है जिसपे कि एक लेटर रखा था जो कि वेक्टर का था और उसमें लिखा था कि चांद को दे जाओ और लड़कियों को ले जाओ। दरअसल वेक्टर ने उन तीनों लड़कियों को किडनैप कर लिया था गुरु से चांद लेने के कारण। और वेक्टर उन तीनों लड़कियों को अपने साथ एक जेट में बिठाकर उड़ जाता है। और उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए वहां पर डॉक्टर नेफ्रियो आता है बहुत सारे मिनियंस को लेकर। फिर गुरु डॉक्टर नेफ्रियो को बताता है कि लड़कियां वेक्टर के कब्जे में हैं और वो उन्हें आसमान में उड़ा रहा है। ये सुनकर डॉक्टर नेफ्रियो अपने प्लेन को वेक्टर के प्लेन के पास ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो छोटा किया हुआ चांद फिर से बड़ा होता जा रहा है। तब डॉक्टर नेफ्रियो गुरु को बताता है कि इस श्रृंखले गन से जितनी बड़ी चीज को छोटा किया जाएगा वो उतने ही कम टाइम में फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो सोचो चांद तो कितना बड़ा है तो वो कितनी जल्दी अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। और गुरु अपने प्लेन को वेक्टर के प्लेन के पास पहुंचाकर एक एक करके लड़कियों को बचाने लगता है। गुरु एडिथ और एग्नीस को तो बचा लेता है, लेकिन जब वेक्टर के प्लेन से मार्गो कूदने वाली होती है तभी वेक्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी चांद का साइज और बढ़ जाता है जिससे कि वेक्टर का प्लेन क्रैश हो जाता है और वेक्टर और मार्गो नीचे गिरने लगते हैं। और मिनियंस और गुरु मिलकर मार्गो को बचा लेते हैं और गुरु चांद को अपनी सही जगह पर पहुंचा देता है। और वो लोग घर वापस आ जाते हैं जहां टीवी पर न्यूज चल रही थी कि चांद फिर से अपनी सही जगह पहुंच गया है। और ये काम किसने और क्यों किया है इसका पता पुलिस लगा रही है। तो गाइज इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और गाइज अभी तो ये इस मूवी का पहला ही पार्ट है और आपको इस मूवी के अगर सारे पार्ट्स देखने हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके सारे पार्टों का एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पर आने वाला है।
तो गाइज अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है, करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक और गनफाइट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।